बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या इसके अलावा लिया है, यानी या जो है या है, चुका है, चुकी है, या है वगैरह आएगा, तो उससे हमें पहचान क्या होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, कि जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। अब हम इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ और हैव के साथ ये याद रखने वाली बात है कि हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है हैज़ किसके साथ यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स के साथ। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ। मैं मीन्स आई, आई है सब्जेक्ट। हम आई के साथ देखते हैं कि हमारा क्या यूज़र है। आई के साथ हमारा हैव यूज़र है, आई हैव। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी है मुकम्मल करना, यानी कंप्लीटेड या फिनिश्ड, दोनों में से कौन सा यूज़ करें ठीक होगा। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, वर्क यानी ऑब्जेक्ट। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्रिकेट मैच खेल चुकी है। शी हैज प्लेड क्रिकेट मैच। तुम खाना बना चुकी हो। यू, यू के साथ हैव, यू हैव कुक्ड फूड। तो ये सिंपल सा जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लेकर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इजीली जो है वो बना सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, जो सब्जेक्ट आना चाहिए हैज और हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम जो है मुकम्मल अभी हुआ हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं। इंशाल्लाह जो है ये आपको प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगा, और अगर किसी बात की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।